हे दोस्तों, वेलकम बैक टू एम एस एक्सेल कोर्स पार्ट 11। एंड आज हम सीखने वाले कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके अल्टरनेट रोज़ को हाईलाइट करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। जैसे अगर आपको कोई रो को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको कहीं पर भी सिंपली रो ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट ये डालना है एंड एंटर कर देना है। तो इस तरीके से जो आपका रो है या जो रो नंबर है वो फाइंड आउट हो जाएगा। अगर अपन इसको ड्रैग करते हैं तो इस तरीके से जो रो नंबर्स हैं वो फाइंड आउट हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये होता है रो का फॉर्मूला। वैसे यहाँ पे एक और फॉर्मूला अपन यूज करते हैं जिसको अपन कहते हैं मोड, MOD, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। अब इसमें जो ओपन ब्रैकेट करते हैं तो नंबर और डिविजर, ये दो चीजें हमें देनी पड़ती है। नंबर जिसको अपन डिवाइड करने वाले हैं, लाइक अभी मैंने डाल दिया 100। अब इसको अगर मेरे को डिवाइड करना है सपोज 2 से, तो अगर ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। बट अगर मैं 2 के जगह पे 3 कर दूंगा तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। और 3 के टेबल में अगर मैं हाईएस्ट नंबर जाऊँ जो 100 के पहले आएगा, तो 3 × 33 99 होता है। तो 100 - 99 1 बचेगा। तो अगर अपन इसको एंटर करते हैं तो ये सी यहाँ पे 1 आ रहा है। तो इस तरीके से मोड वर्क करता है। इसके बाद एक फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज करते हैं जिसमें अपन मोड और रो दोनों को भी कंबाइन कर देते हैं। जिसके लिए अपन टाइप करेंगे पहले मोड अंडर ब्रैकेट रो, उसके अंडर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कॉमा, जिससे अपने को डिवाइड करना है। इस डिविजिबल में अपन कुछ भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं डाल रहा हूँ 2 एंड इसको अपने को कर देना है क्लोज। नाउ अपन करेंगे इसको एंटर। अब क्योंकि ये इवन नंबर वाला रो था तो यहाँ पे पूरा का पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल है, बट क्योंकि ये ऑड नंबर का रो है तो यहाँ पे ये डिविजिबल नहीं आ रहा है। जैसे अपन इसको एंटर करते हैं, मतलब F9 करते हैं, बेसिकली अपन इसको करेंगे सेलेक्ट एंड करेंगे F9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रो का नंबर है वो 3 शो कर रहा है और डिविजर है 2, तो 3 - 2 1 बचेगा। तो इस तरीके से ये परफॉर्म हो रहा है, इस तरीके से ये जो वैल्यूज है ये आ रही है। अब हमको इन्हीं के बेसिस पे हाईलाइट करना है, तो अपन यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। जिसके लिए अपन पहले इन पूरे कॉलम्स को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमें न्यू रोल में जाना है और यहाँ पे हमें लास्ट वाले ऑप्शन का यूज करना है। यहाँ पे जो अभी अपन ने कंबाइंड फॉर्मूला सीखा मोड और फॉर्मेट का, उसको अपन टाइप करने वाले हैं। एंड लास्ट में अपन यहाँ पे इसके इक्वल्स में डालेंगे 0। जब अपन 0 डालते हैं और फॉर्मेट करते हैं तो अपन कोई भी एक फिल दे सकते हैं यहाँ पे, या कोई भी आप फॉन्ट का कलर वगैरह जो भी आप देना चाहें वो बेसिकली आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं देता हूँ फिल, फिल में मैं देता हूँ ये वाला कलर एंड ओके। फिर अपन कर देंगे इसको ओके। तो देखो जहां जहां पे 0 था, मतलब देखो यहाँ पे मोड और फॉर्मेट रो वाला जो कॉलम था, इसमें जहां जहां पे 0 आ रहा है वहां वहां पे ये हाइलाइट्स शो कर रहा है। बट अगर अपन इसी में थोड़ा सा चेंजेस करें, मतलब अपन इस रूल को ही एडिट कर दें, तो इसमें चेंजेस आ जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल्स में जाओ, यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है इसको एडिट रूल करो और इस 0 की जगह अपन टाइप कर देते हैं 1 एंड करते हैं ओके, अप्लाई एंड वंस अगेन ओके। तो आप देख सकते हैं जहां जहां पे अब 1 था वहां वहां पे हाईलाइट आ रहा है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके अपने अल्टरनेटिव रोज को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बस यार इस कोर्स के आज के पार्ट में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सब कुछ समझा होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।